गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और हम जा रहे हैं अभी गैस लाने के लिए रिट्टू के साथ। मैंने गैस सिलेंडर लाने जा रहे हैं, गैस नहीं, पूरा सिलेंडर लेकर आना है, एक भरा हुआ। तीन थी क्या बोलता है, नारायणपुर से ही लाने जा रहे हैं। नारायणपुर एक जगह नज़दीक में ही है, तो हम रिट्टू चलते हैं। जा तू गैस और ले, जल्दी निकाल, वहीं से बैठ के। ठीक है, तो ये देखिए रिट्टू गैस लेके आ रहा है और हम लोग गैस ले लिए हैं और अब जा रहे हैं घर की ओर। ये खेल खेल के कह रहे नहीं उतरेगा, तो उठा के उसको ठीक कर और हम लोग जल्दी से घर जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत काम है अर्जेंट। तो फाइनली गैस लेके आ गए हैं और टाइम हो गया है 11:15 और आने के बाद लूडो खेलने लगा है रिट्टू, साथ ही साथ तुरंत में रिट्टू को सूट कर पूरा लूडो खेल रहा है। न्यूज रिपोर्टर की तरह खेलो लूडो, खेलो लूडो, खूब खेलो। रुपया काजल लूडो खेलते हुए सब खेलो। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम आए हैं सालतौर। सालतौर में कोई है नहीं, सब चला गया है स्कूल। किट्टू का अब हो गया छुट्टी ख़त्म, सोमवार से शुक्रवार तक उसका सिर्फ क्लास रहेगा और अब वो पढ़ाकू लड़का बनेगा। देखते हैं कितना दिन तक पढ़ाकू लड़का बन के रह सकता है। घर पढ़ाकू बन के रहे तो अच्छा है। गाँव ले गाँव नस कर रहा है, वही है 10 साल से लग रहा है स्कूल नहीं गया है। घर किस साल से नहीं गया रहे? एक महीना का हमको लग रहा है 1 साल से स्कूल नहीं गया है। मैट्रिक के बाद से जिंदगी में स्कूल में पैर नहीं रखा। 2 दिन गया था। कितना अच्छा से बोल रहा, कोई है नहीं, बंटू बंटी कोई है नहीं। और अभी हम तो फिलहाल सालतौर में ही रहेंगे। तो ये देखिए बंटी आ चुकी है स्कूल से, बंटू भी आ चुका है, चिंटू भी आ गया है, वो लोग अपना रूम में चला गया। चिंटू और छोटू बंटी आ गई, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ अपना। देखिए बंटी का आइडेंटी कार्ड, स्कूल का नाम राम कलरी पुरुषोत्तम विद्यालय, पढ़ के आ गई बंटी। विद्यापीठ, अच्छा तो पढ़ के आज निहाल कर देना। बोलो मेरा कौन मीडियम स्कूल है? इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सब कोई जानता है। कोई जानता? सब जानता है, जानता। सब जानता है, आ जानता है। देखिए आया और सूत गया बंटुआ, कपड़ा भी नहीं बदला। पापा क्या बोले थे? कुछ नहीं बोले थे, बोले थे कि बंटिया को मारना आएगी तो नहीं। हाँ तो फाइनली दोस्तों सालतौर से घर आ गए हैं, दोपहर के 2 बज चुके हैं और जा रहे हैं मिट्टू के घर आराम करने के लिए खाना वाना खाकर, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत गर्मी है मेरे घर में और वहाँ थोड़ा आराम लगता है, वो तो आप लोग को बता ही चुके हैं। तो अब जा रहे हैं वहाँ थोड़ा सा आराम करेंगे। तो शाम के 6:15 बज चुके हैं दोस्तों और देखिए ये लोग क्या खा रही है, कल का बचा हुआ इडली लोग अभी तक खा रही है दोनों, धन्य है ये लोग। भूंजा हुआ इडली का होता है भाई, ये लोग को कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए। सुबह में बना था, आधा रात को खाया, हम तो नहीं खाते। क्या खा रही इडली खा रही है दोनों, इलोल भकलोल अमोल भकलोल, सब भकलोल है ये लोग दोनों, दोनों के दोनों भकलोल है। ये हम खा रहे हैं पकौड़ी, ये हम खा रहे हैं अभी बना हुआ ताजा, और ये लोग खा रही है कल का इडली बासी वाला, और हम अभी गरम गरम पकौड़ी खा रहे हैं। इतना बड़ा प्लेट में एक और खाए नहीं, देखती नहीं है, नमक मक निकला हुआ बिछला हुआ, देखो देखे खाए हम कि नहीं, देखे तो। आई ये लोग कुछ नहीं, ये लोग कल वाला खा रही है। खाओ तो फाइनली दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और देखिए कौन आ गया, अपना बुद्धि लगा रहा, अपना बुद्धि, रात को 9 बजे अभी आ रहा है लड़का आसनसोल से, अफगानिस्तान जीतेगा, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान जीत रहा है और रात हो गया है, पाकिस्तान हारेगा, पाकिस्तान हारेगा। आज के लिए मेरा खाना आ चुका है, आज के लिए, हाँ आज के लिए खाने रोटी सब्जी बंदा गोभी का आज चोखा। तो ठीक है दोस्तों अब खाना खाने जा रहे हैं और आई होप आज अफगानिस्तान जीतेगा और इंडिया को थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं और एशिया कप से इंडिया बाहर हो चुकी है, तो मूड ऑफ बहुत ज़्यादा हो चुका है। अफगानिस्तान के 2 बॉल ने मैच पलट दिया
इट्टू का मुंह पूरा लटक चुका है, मेरा भी लटक चुका है। एक उम्मीद थी कि अफगानिस्तान अगर जीतती है तो इंडिया बना हुआ रहेगा, मगर अब क्या कर सकते हैं, खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो बस थोड़ा सा मूड ऑफ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। अगर ब्लॉग अच्छे लगेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।